अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद मकसूद कासमी और आप देख रहे हैं बाग़े मदीना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हर इंसान का ख्वाब होता है कि वह हरमैन शरीफ़ैन की ज़ियारत करे, हज करने जाए, उम्रा करने जाए। तो उसी को लेकर के एक ऐलान आ गया है, जो हज़रात भी 2023 में हज के लिए जाना चाह रहे हैं उनके लिए खुसूसी तौर पर ऐलान है। तो मैं आप हज़रात को ऐलान पढ़ करके सुनाता हूं। तो जो हज़रात जाने वाले हैं वो उसी एतबार से अपना काम आगे बढ़ाएं, उसी एतबार से उस पर अमल करने की कोशिश करें। तो चलिए दोस्तों, समाप्त करें। हज मिशन 2023 का बाकायदा अमल जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। इसके तहत नए साल में हज दरख्वास्त फार्म जारी होने का इम्कान है। ख्याल किया जा रहा है कि ख्वाहिशमंद हिंदुस्तानी आज़मीन हज बैतुल्लाह की सआदत हासिल करने नए साल में दरख्वास्त फार्म भर सकेंगे। काबिले ज़िक्र है कि इस ताल्लुक़ से हज कमेटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन एपी अब्दुल्ला कुट्टी ने एक ट्वीट किया है कि हज कमेटी ऑफ इंडिया के लिए 1 जनवरी 2023 से दरख्वास्तें लेना शुरू कर दी जाएंगी। जो लोग हज करना चाहते हैं उनसे ऑनलाइन दरख्वास्त करने की अपील की जाती है। हज कमेटी ऑफ इंडिया के हज ऐप के ज़रिए, हज कमेटी की वेबसाइट के ज़रिए रजिस्ट्रेशन मुमकिन है। इस ट्वीट के मुताबिक हज कमेटी ऑफ इंडिया 1 जनवरी 2023 से हज के लिए दरख्वास्त लेना शुरू कर देगी। जो लोग हज करना चाहते हैं उनसे अपील है कि वो ऑनलाइन दरख्वास्त करें। हज कमेटी ऑफ इंडिया के ज़रिए, हज ऐप के ज़रिए, हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट के रजिस्ट्रेशन मुमकिन है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको बात बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर बात समझ में आ गई है तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरीके से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।